बीते दिनों पार्षद अलादातपुर आनंद वर्धन और निर्माण विभाग के मेठ मेवालाल के बीच हुआ विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को देखते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने मंगलवार को एक बैठक बुलाया था, जिसमें नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारी, निर्माण विभाग के मेठ और आरोपी पार्षद को बुलाया गया था। नगर निगम के गेस्ट हाउस में आयोजित समझौते के लिए बुलाई गई बैठक में पार्षदों की संख्या ज्यादा देखकर नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह उठकर चले गए, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच काफी गहमा गहमी हुई। इस दौरान दोषी पार्षद के पक्ष में आए अन्य पार्षद काफी आक्रोशित दिखे। पार्षदों में पीड़ित मेवालाल पर समझौते का दबाव बनाने की बहुत कोशिशें करते रहे, लेकिन मेवालाल अपनी बातों पर अड़े रहे। मेठ ने महापौर से दोषी पार्षद पर उचित कार्रवाई की मांग किया, लेकिन महापौर ने भी मेवालाल की बात नहीं मानी और लगातार समझौते का दबाव बनाते रहे। अपने ऊपर दबाव बढ़ता देखकर मेवालाल ने इस्तीफे की बात कर दी, जिससे पार्षद और आक्रोशित हो गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख महापौर ने बैठक को बिना निर्णय के स्थगित कर दिया और पार्षदों के साथ स्टोर रूम का निरीक्षण किया। पार्षद और निर्माण विभाग के मेठ के बीच हुए विवाद ने कर्मचारियों और पार्षदों के दो फाड़ कर दिया है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित मेठ मेवालाल तथा अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति राम प्रकाश सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ इस लड़ाई में एकजुटता का परिचय दे रहा है, हम इसके लिए हृदय से आप निर्माण सेक्शन के सभी कर्मचारी साथियों को बधाई भी देते हैं और मेवालाल के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। इस तरह की बात, इस तरह की जज्बा और इस तरह का जो मतलब एक होता है कि अपने हम जिस की क्या चाहते हैं वो भी अपने भावना को कहते हैं। मेवालाल उनको अपने जान की चिंता नहीं है, उनको जो ये है कि मेरे चार कर्मचारी जो मारे जाते ये 29 तारीख को निर्माण विभाग के मेठ श्री मेवालाल जी के साथ वार्ड संख्या 55 के पार्षद के द्वारा पिस्टल लगाकर जो लगाया गया, उसके संबंध में जो आए दिन आज नगर निगम में एक परिस्थिति बन गई है, उसी को लेकर आज ये जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, आज ये बैठक हो रही है कि हमको आगे की रणनीति क्या है। अभी हमारी बैठक हो रही है, अभी निर्णय नहीं हो पाया है। लोगों के विचार आ रहे हैं, जैसे ही विचार आते हैं उसके निर्णय पे हम एक अध्यक्ष निर्णय होता है और ये अभी हम आधे घंटे बाद ही निर्णय दे पाएंगे हम क्या निर्णय हुआ, उसी के संबंध में बैठक हो रही है, लोगों के विचार आ रहे हैं। माननीय महापौर जी जो इस परिवार के मुखिया हैं उनके द्वारा भी बार बार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। हम लोग उस वार्ता में जाएँ कि न जाएँ, वार्ता करें कि न करें, क्योंकि नगर आयुक्त शहर में है नहीं, हमारे परिवार के मुखिया है नहीं, इसलिए अभी उसमें वार्ता पे भी जो है हम लोग निर्णय नहीं ले पाए। हम लोग वार्ता उनसे करें कि नहीं करें, वार्ता जब भी होगा सम्मानजनक तरीके से श्री मेवालाल के सम्मान के साथ, कोई समझौता नहीं होगा। इस पर हमारी आगे की लड़ाई है, हम आगे आज हम अल्टीमेटम देते हैं क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक जैसा लोगों के विचार आए हैं कि 72 घंटे का, 96 घंटे का जो भी है हमको एक समय देंगे। और जो धाराओं में अल्पीकरण किया गया है, तहरीर के बाद जो अल्पीकरण किया गया, इस अल्पीकरण में जो किया गया है जो सही धारा है वो लगाई जाए, ऐसी भी मांग है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो वादी के साथ जो तहरीर दिया उस तहरीर पे सही ढंग से धारा लगा के मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना में सही ढंग से उसको विवेचना किया जाए। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को यही चिंता, इसके साथ हम लोग मनवाई।
हम अपने अध्यक्ष महोदय थे, हम अपने संरक्षक महोदय थे, यही समझौता करेंगे कि ये बताइए कि जो पिछला समझौता हुआ हमारा कर्मचारी मर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसी को आप बता दीजिए, इसी को आप बताइए, और अगर दबाव बना दे तो नाराज नहीं है, नाराज कराएंगे, हमारी देखिए आपके साथ आप कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। नगर आयुक्त भी आपकी वेदना को जान रहे हैं, नगर आयुक्त भी आपके साथ है, डीएम साहब से बात हुई जो साथी साथ में चले, उन्हें आपने चलते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं कर्मचारियों के साथ सब हम लोग का कहीं कोई पता चला था कि क्या स्थिति हुआ था, और हम नहीं चाहते कि उस चीज द्वारा माननीय महापौर जी आ रहे हैं, ठीक है ना? चले जा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पाएंगे लोग, बदतमीजी करने वाले के चक्कर में पूरा भर में बांध के लाठी पूरा बरमर नगर निगम के अध्यक्ष चेयरमैन माननीय मेयर साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके कर्मचारी संघ के नेता मौजूद हैं, आप कर्मचारी पार्षद का विवाद है, इसमें नगर आयुक्त क्या बात नंबर एक, और रहा सवाल आप मैनेज करना चाहते हैं, मैं स्वागत है आपका, स्वागत नगर आयुक्त जैसी चले जाए, अगर आप की गलती हो गई समझौता कराने के लिए हम हैं और एफ आई आर कराने के लिए आप हैं, तो उन्होंने कहा ये बताओ कर्मचारी संघ बा पूरा जो बांटे की द्वार अरे
आईटीआई से वाला पहले मांगा गया अबे औकात था है लग जाए तो हम बना के दे रहे हैं भाई कर्मचारी तो चतनिया नगर निगम कौन रखे बच्चा अभी ले और राड मार दो टूट जा पार्टी में हम लोग माननीय महापौर के अध्यक्षता में बैठक हुई, जो हम लोगों के आपस में हुआ था कि 5 बोलो रहेंगे हम लोग 12 बोलो रहेंगे, हम लोगों ने उसका पालन किया, लेकिन उनकी तरफ से उस बात का कोई पालन नहीं किया गया। हम लोग उस बात को भी अवॉइड कर देता लग रहा था कि वो कर्मचारी पे एक ग्रुप जो 50-60 लोग माननीय प्रतिनिधि माननीय पार्षद 50-60 की संख्या में राम गणेश पार्टी पे गेस्ट हाउस में आके हमारे कर्मचारियों पे जो दबाव बनाने का काम किया मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वार्ता आपसी सामंजस्य का होता, आपसी सहमति पे होता, वार्ता दबाव में नहीं होता। वार्ता हम आपस में सहमत है हम वार्ता करते हैं, अगर सहमत नहीं तो वार्ता नहीं होती है। आज मेयर साहब हम लोग को सूचना दिए थे कि बैठकर इसका कुछ हल निकल जाए, आपस में हम लोग सभासद भी हम लोग के नगर नियम के हैं, कर्मचारी भी नगर नियम के हैं, और तो हम लोग कहें ठीक है ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, हम लोग 5 आदमी हो जाएंगे 6 आदमी, और वो लोग भी हो जाएंगे 2 आदमी 3 आदमी, तो हम लोग इसी के संदर्भ में गए गेस्ट हाउस में जो स्टोर के सामने है, तो वहाँ जो है धीरे 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 30-35 के संख्या में सभासद लोग हो गए पार्षद लोग, और वहाँ हम लोग भी गए और वहाँ बार बार धमकियाँ देने लगे हमारे जो नेता हैं राम प्रकाश सिंह वह जो है उन लोग को गंदी गालियाँ और धमकी सुन के बर्दाश्त नहीं बाहर निकल गए, और शुक्ला जी थे और हम 2-3 लोग थे, और वहाँ जो बा कह मार के धमकी देंगे जल्दी इस पर दस्तखत करो नहीं तो हत्या कर देंगे, और का अभी 307 के फंसाएंगे आपको उल्टे हैं धमकियाँ दे सारे सभासद मिलकर। और हमने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को भी मौका दीजिए, एक समय दीजिए, हम लोग भी बैठ के विचार कर लें, हमारे नगराउत मालिक हैं, नगराउत रहेंगे, जिम्मेवार अधिकारी हैं हम लोग के, तब उनके वो हम लोग जैसा होगा वैसा करेंगे आप। लेकिन बार बार धमकी दिए मारने की, और हम लोग जो है धीरे से जो बाहर आ गए, कहना बाहर जो बाहर कहीं भी घेर के मारेंगे ना अगर समझौता करोगे, तो वही हम लोग संगठन में आए, और संगठन के लोग जो है और जो है अपना पैड पर लिख के जगह जगह अपना बढ़ा रहे हैं, और 72 घंटा के जो है मौका मांगे हैं, 72 घंटा में जो है ये गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम लोग जो है प्रदर्शन और धरना देंगे नगर निगम में। इस्तीफे की भी बात कही जा रही है। हाँ, इस्तीफा के बाद हम लोग बहुत मजबूर कर दिए, रिवाल्वर निकाले वहाँ
धमकी देने लगे तो हम कहें भाई ऐसा हम लोग भले हम लोग छोड़ कर्मचारी हैं लेकिन हम लोग जो बा इतना ना सताइए कि मतलब हम लोग नौकरी नहीं कर पाए। मार भी रहे हैं, जबरदस्ती सुलह भी करा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है इस्तीफा जो है हमारा ले लीजिए हैं, यही कह के मैं बाहर निकले हैं। निर्माण विभाग के एक मेट और पार्षद के साथ विवाद हो गया था, उसी मामले में आज बैठक होने वाली थी, वहाँ पर क्या निकला? आज विगत कई दिनों से माननीय महापौर जी के द्वारा इस घटना पे सम्मानजनक तरीके से वार्ता करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, उसके क्रम में आज हम लोग की ये बैठक हो रही थी जिसमें हमारे दो वरिष्ठ पार्षद भी आए थे। उसमें यह निर्णय हुआ था कि माननीय महापौर उस बैठक में, वार्ता की बैठक में माननीय महापौर, उपसभापति आनंद वर्धन और दो वरिष्ठ पार्षद उस बैठक में, और हम लोगों का 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल बैठक में रहेगा। उसके क्रम में आज हम लोग गेस्ट हाउस में बैठक में गए थे। गेस्ट हाउस की बैठक में वर्तमान समय में 14 पार्षद बैठे थे, माननीय महापौर जी थे, उपसभापति भी थे, हम लोग 11 सदस्यीय में बैठे थे। उसी दरमियान एक और तमाम इस नगर निगम के पार्षद भी वहाँ बैठक में आए। कुछ पार्षद नहीं चाहते हैं इस घटना का पटाक्षेप हो, कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, और मैं उस बैठक में उसका बहिष्कार करके, क्योंकि बैठक का माहौल नहीं था, बैठक वार्ता करना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक दबाव बना के धमकी जैसा एक असर दिखा के समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। उस वार्ता का मैं बहिष्कार करके मैं चला आया और हमारी पूरी टीम चली आई, और जैसी कि सूचना मिली है कि एक पार्षद के द्वारा मुझे जान से गोली मारने की धमकी दी गई है, मैं उस पार्षद को खुलेआम चैलेंज करता हूँ, अगर उसके अंदर जितनी दम हो और जितने भी पार्षद हैं उसके अंदर दम हो, जितनी पिस्टल हो, जितनी गोलियां हो, मेरे शरीर पे चला के देख रहे हैं, मैं अपने कर्मचारियों के सम्मान के साथ कहीं समझौते से पीछे नहीं हटूंगा। कर्मचारी का सम्मान सर्वोपरि है, मेरी जान रहे या ना रहे, मेरी लाश चली जाए, मेरी लाश जान चली जाए, लेकिन मैं अब कर्मचारी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। और आने वाले दिनों में हम 72 घंटे का जिला प्रशासन को समय देंगे, उस आरोपी पार्षद को गिरफ्तार करें, उसके लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई करें, तभी हमारा ये धरना समाप्त होगा। मैं 72 घंटे का समय, उसके बाद नगर निगम की सारी सेवाएं मैं ठप कर दूंगा, चालक हमारे जितने वो नहीं करेंगे, सफाई हमारी बंद हो जाएगी, और जो जल है जलापूर्ति मैं उसको भी मैं 72 घंटे का समय और दूंगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो मैं 96 घंटे के बाद 72 और 72 144 घंटे के मैं जलापूर्ति भी ठप कर दूंगा इस महानगर की। महापौर जी ने क्या कहा मुझसे कोई बात नहीं हुई है। महापौर जी ने जिस अंदाज में कहा है, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, उनके आदेश का सम्मान करते हुए हम लोग उस वार्ता के क्रम में गए थे, और 5 बजे के बाद वो हम लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं उनको पूर्ण रूप से अधिकार है, वो सक्षम है, वो पूरे नगर निगम के कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दें। सभी सम्मानित पार्षदों को और जितने भी नगर निगम के कर्मचारी नेता हैं उनको बुलाया गया था, आपस में FIR इन्होंने गलत ढंग से पार्षदों पर आरोप लगाकर कराया है, हमने उनको चेतावनी दी है कि इसने जो आपने गलत FIR लिखाया हमारे पार्षद पर उसको वापस कीजिए। हमने 5 बजे तक समय दिया है उन लोगों को, अगर उन लोगों ने FIR आपस नहीं लिया तो हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी उपसभापति कोतवाली में जा कर के उनके खिलाफ FIR करेंगे। उनके अध्यक्ष ने अभद्रता की है, मीटिंग छोड़कर चले गए हैं, इसके लिए उन्हें दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। किसी भी मीटिंग को बहिष्कार करके जाना पार्षदों का अपमान है, नगर निगम का अपमान है, किसी भी कीमत पर हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कर्मचारी गलत काम कराने के लिए इस्तीफा देना चाहते हैं,
तो कोई मना तो नहीं कर सकता, काम भी गलत करेंगे और इस्तीफा की भी धमकी देंगे, किसी भी कीमत पर हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।